आपके कि उनको बयान करना और उनको सुनना खराशी हुसैन के कि दिल को ये ताब नहीं कि मुकम्मल तौर पर उनको बयान किया जा सके। बहरहाल हुसैन अली का नाम असर लेने का बुलंद था, कूफा में दाखिल हुआ, कूफा से तकरीबन 18-19 मंजिलों को तय करते हुए 38 दिनों के बाद तकरीबन 34 दिन तो कूफा में आपके तमाम घरवालों को कैद रखा गया, तमाम मुहर्रम से लेकर कैद खाने के अंदर खटा टोल अंधेरे में निकले हैं 34 दिन तक रखा गया। और उसके बाद तकरीबन 800 मील और एक मील 3 किलोमीटर का होता है तो 8 किया, अरे बोलो सलामी होता है परेशान को 8 किया, 8 किया कुछ लोग 24 दिन हल्के से बोल रहे हैं ये कहा कि मैं सब सुन रहा है किसी ने कहा 24 और इसकी हालत ये थी घटियों के जो दस्तमे थे वरना कुछ भी नहीं था, बार बार तोड़ डाले गए थे, उन्हें रस्सियों में बांध दिया गया था। एक रात में आता है किसे के पास है छुप छुप की चलती थी, पूछा गया आप झुकते क्यों चलती हो, सीने क्यों नहीं चलती, तो आपने जवाब दिया तुम्हें दिखता नहीं है इसलिए बस सकीना भी उसी रस्सी में बनी है जिस रस्सी में मैं बनी हूँ, अगर मैं सीधी हो गई तो सकीना के पाँव जमीन से ऊपर उठ जाए, शुरू हो गई 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा, फिर धीरे धीरे करके यही सुर्खी पश्चिम में पहुंच गई जो आज तक मौजूद है, जो हुसैन की शहादत से पहले मौजूद नहीं थी। पूछो जब तक ये सुबह और ये सुर्खी मगरिब में मौजूद है, मगरिब की नमाज का वक्त बाकी है, जब ये सुर्खी छुप जाती है तब कहीं जाकर ईशा की नमाज का वक्त शुरू होता है। सुर्खी नहीं थी आज की जब सूरज डूबे ये शर्मा के सूरज की जल्दी डूबता है और डूबते वक्त ये लाल लाल की तो नजर आती है, ये जो सुर्ख सुर्ख नजर आता है ये कुछ और नहीं, ये उसी हुसैन के मारते का ऐलान करता है, उसी हुसैन के दम का ऐलान करता है। उस दिन भी ये सूरज बहुत जल्दी डूबा था, उस दिन भी ये सूरज सुर्ख हो गया था, अंधेरा छा गया था, हुसैन के शहीद हुए पूरी दुनिया में जलवा सा गया। और ये तो अल्लाह नदी के जलाशय को दीने इस्लाम के लिए मुस्तफा ने चुन लिया था, वरना आज भी आसमान से बारिश की जगह खून की बारिश होती, पानी की जगह खून की बारिश होती। बैठा हुसैन अली का नाम कसर लेने पर बुलंद था, आवाज दे रहा था यदि लोग जब नाना की गोद में थे तो भी सर बुलंद थे, जब मक्के में रहने की बात किया गया तो भी सर बुलंद थे, जब मदीने में थे तो भी सर बुलंद थे, मदीने से निकले तो भी सर बुलंद थे, जब मकामे मकामे महबा में आए और हमने हमारा काफिला रोका हम तो भी सर बुलंद थे, जब अब्बास के बाजू कटे हम तो भी सर बुलंद थे, जब अली अकबर की कहानी झुकी हम तो भी सर बुलंद थे, जब अली अकबर की अली अकबर के बच्चों को लूटा गया हम तो भी सर बुलंद थे, जब आसिम की कहानी झुकी
जिंदाबाद आएगा लगा ताजी शरीफ के कानून से मुझे कुछ बोलना था और मैंने कहा भी था, लेकिन हुसैन ने जो कहा वो जहन में आया और बोल दिया गया। इंशाअल्लाह ये उठा रहा किसी और मौके पर आपके सामने इंशाअल्लाह ताजी शरीफ के कानून से ही बोला जाएगा। नबी और नबी की बारगाह में सलातो सलाम है।